कहता भैया फोन की हालत देख के लग नहीं रहा कि चलेगा, हमने भैया जो बोला है वो करो। ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रगल चल रहा है, डेटा कॉपी हो रहा है जो। नमस्कार दोस्तों, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और अभी तक एग्जाम चल रहे थे इस वजह से आप लोग से मिल नहीं पाया। तो आज कोई वैसा व्लॉग वाला वीडियो नहीं मेरा, आज मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। वैसे अनबॉक्सिंग का चैनल तो नहीं है लेकिन मेरा खुद का फ़ोन आया है, इस वजह से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और ये रहा फ़ोन, इसका इस वजह से खुल रखा है क्योंकि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो खोल के देखा तब लिया है। बाकी अभी बॉक्स वैसे नहीं खोला है, फ़ोन नहीं खोल के देखा है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं और बॉक्स पे ले चलते हैं। तो ये अभी हम लोग आ चुके हैं बॉक्स पे और ये ऑडियंस पहले से बैठी हुई है देखने के लिए। ये तो पगला है, घुसा रहता है फ़ोन में। और कुछ इस तरीके से डिब्बा खोला और ये बॉक्स निकाला। ये व्हील है जो कि हमको पता है, ये बॉक्स फेंको। और ये रहा फ़ोन, ओम भो, ये निकला। अभी इसमें क्या क्या है, और ये कुछ ऐसा है, चार्जर टाइप सी नहीं है इसमें, वैसा है माइक्रोवेव का है। फ़ोन देखते हैं कैसा है। फ़ोन तो बढ़िया है यार, देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है चलिए, तब तक खुल रहा है देखते हैं। तब तक इसके बारे में बता दे रहा हूँ थोड़ा। और ये फ़ोन जो हमारा है इसमें 6 GB रैम है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज है और बढ़िया फ़ोन है, मतलब इस रेंज में बढ़िया। 11,000 का मेरे को पड़ा, रिव्यू भी अच्छे थे। 50 MP का कैमरा है और 120Hz का रिफ्रेश रेट है, ठीक है। इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं अभी तक, ये भैया के फ़ोन से शूट कर रहे थे, अब इससे शूट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रगल चल रहा है, डेटा कॉपी हो रहा है जो ये फ़ोन में। इस फ़ोन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे लग रहा था कि किसी दिन ये मैं ही इसे ना और तोड़ दूँ, वैसे इतना तोड़ चुका हूँ। तो जब तक डेटा कॉपी हो रहा तब तक कुछ कहानी बता देते ये फ़ोन लेने के लिए। हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती, तो इसके पीछे एक है। तो मैं पहले बड़ा खुश था कि एक आईफोन लूँगा, नया नहीं सेकेंड हैंड का सोच रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा बजट इतना कम है कि सेकेंड हैंड आईफोन 8 तक नहीं आएगा, तो मैं छोड़ो फिर कोई एंड्रॉयड ही देखते हैं। तो एंड्रॉयड में थोड़ा पैसा लगाया और ये मिल गया, तो मैंने ये ले लिया है। और इसका कैमरा वैमरा देखता हूँ, अभी ये वीडियो तो भैया के फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो मैं शूट करके दिखाऊँगा वो अपने फ़ोन से दिखाऊँगा और उसमें क्वालिटी देखूँगा कैसा क्या है। अच्छी हुई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो अपना हाई फिर क्या, काम चलाएं कुछ दिन। चलिए, और बाकी अब धीमे धीमे जल्दी जल्दी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। और नेक्स्ट वीडियो आपको अपने फ़ोन से दिखाता हूँ फिर। चलिए, इस फ़ोन का मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि पता नहीं ये नया सिस्टम कुछ आया। ये देखिए मेरा वॉलपेपर तक मतलब रिकवर हो गया है और मैंने कुछ किया भी नहीं, और मैंने पुराने फ़ोन से सेटअप किया बस उसी से रिकवर हो गया है। और ये देखिए मतलब एक एक ऐप मेरा आ गया है, तो ये बहुत अच्छा किया इन लोगों ने, मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो ये मैं इस वाले फ़ोन से, नए वाले फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ और क्वालिटी तो ठीक लग रही है मेरे को, बस थोड़ा सा लैग ऐसा कर रहा है मेरे को लग रहा है। चलिए, और ये पार्टी का इंतज़ाम हो चुका है, फिंगर ले आया है, अभी तो यही बजट है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और भी लोगों को शेयर करिएगा ताकि फैमिली थोड़ी और बढ़ सके आगे। और अगर आपने नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद और बने रहिए आगे की वीडियो के लिए। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं जिसको देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है, आपको भी आएगी। आप ये कुछ देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या है। मैं दुकान गया था फ़ोन में टेम्पर्ड लगवाने, कहता भैया फ़ोन की हालत देख के लग नहीं रहा कि चलेगा, हमने भैया जो बोला है वो करो। फिर उसने क्या था, ये टेम्पर्ड दूसरे फ़ोन का उखाड़ा था, मेरे में लगा दिया। मैंने भाई ये क्या करो, कहता भाई अभी इसकी इतनी औकात रह गई, आप ही लोग बताओ इसकी ये औकात रह गई, अभी तो बहुत चलेगा यार। अभी तो सही से कैमरा भी पूरी तरीके से नहीं फूटा है, थोड़ा फूटा है लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं फूटा है। तो कमेंट करके बताइए चलेगा और कि नहीं चलेगा। धन्यवाद।